هو رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفُرقان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم ناظرين ایک سوال जो बात भाइयों का होता रहता है कि इफ्तारी करते वक्त हम कौन सी दुआ पढ़ें जब इंसान इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठा हो खाने पीने की चीज़ें खजूर है पानी है कचौड़ी है पकौड़ी है समोसा है दीगर तमाम चीज़ों से दस्तरखान भरा हुआ है अब ऐसी सूरत में इंसान जब इफ्तार करना चाहे इफ्तारी करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें आम तौर से लोगों में ये मशहूर है कि उस वक्त दुआ पढ़ते हैं अल्ला का सुमत व अला रिज़ का अफतरथ ये दुआ जो लोग पढ़ते हैं इस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि ये हदीस सोना नबी दाऊद किताब सोम बाब नंबर दो हदीस नंबर टूट थ्री सिक्स ज़ीरो तेईस सौ साठ नंबर की हदीस है लेकिन इस हदीस को अलामानी रह ने ज़ीफ़ुलजामे के अंदर इस हदीस को ज़यीफ़ क्रा दिया और ऐसे ही इमाम अलबानी के अलावा दीगर मुहदसन ने भी इस हदीस को ज़ीफ़ करार दिया है मालूम यह हुआ कि जब जो हदीस ज़ीफ़ होती है वो ज़ईफ़ हदीस काबिल अमल नहीं होती है इसके मुकाबल में जो सही हदीस सोना नबी दाऊत हदीस नंबर टू थ्री फाइव नाइन तेईस सौ उनसठ जिसके अंदर यह है कि इंसान जब इफ्तारी करे अल्लाह के रसूल जब इफ्तारी करते थे तो आप ये दुआ पढ़ते थे जहा बकदम वबतलू व सबतलज्रशा तो आपको भी चाहिए कि जब आप तारी के लिए खजूर उठाएं या खजूर नहीं मैसर है पानी है पानी का प्याला उठाएं तो आप बिस्मिल्लाह कहें और बिस्मिल्लाह पर कहने के बाद में ये दुआ जहबम वबतलूक वबलर इनशा इस दुआ के पढ़ने का अहतमाम करें क्योंकि यही दुआ इफ्तारी के वक्त पढ़ने की नबी करीम अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है और एक मोमिन को वही काम करना चाहिए वही अमल करना चाहिए जो अमल नबी करीम अलैहि वसल्लम से सही अहदीस की शक्ल में साबित हो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के हर नेक अमल को कबूल फरमाए ख़ास तौर से रमज़ान जिसका रोज़ा इंसान रखता है और सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक फजर से लेकर मगरिब तक गुरूब आफ्ताब तक इंसान भूखा प्यासा रहता है अल्लाह तबारक ताला इस रोज़े को शरफ कबूलियत से नवादे और दर्जात में बुलंदी का सबब बनाए असलम वरम व दारुल खैर फाउंडेशन आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें